प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 वायरस की प्रकृति को देखते हुए देश में चार तरह की वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीन की खोज को लेकर कंपनियां शोध और विकास कार्य में लगी हुई हैं। कुछ कंपनियां इस साल के अंत तक और कुछ फरवरी तक वैक्सीन बना सकती हैं। राघवन ने कहा कि देश में चार तरह से वैक्सीन तैयार हो रही है। पहले तरीके में एमआरए वैक्सीन बनाई जा रही है, इसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल लेकर इसे तैयार किया जाता है। दूसरे तरीके में स्टैंडर्ड वैक्सीन बन रही है, इसमें वायरस का एक कमजोर वर्जन लिया जाता है, यह फैलता है लेकिन इससे बीमारी नहीं होती। तीसरे तरीके में किसी और वायरस के बैकबोन में संक्रमण फैलाने वाले वायरस के प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगाकर वैक्सीन बनाते हैं। चौथे तरीके में वायरस का प्रोटीन लैब में तैयार कर दूसरे स्टिमुलस के साथ लगाते हैं। चार तरह की वैक्सीन अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों या वातावरण में वायरस की प्रकृति में बदलाव को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। वैक्सीन शोध को लेकर राघवन ने कहा कि वैक्सीन निर्माण के लिए तीन तरह से काम हो रहा है। पहला, हम खुद कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और तीसरा, हम लीड कर रहे हैं और बाहर के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को कोविड-19 से जंग में सरकार के प्रयासों और वैक्सीन व दवा की खोज की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय दवा उद्योग को वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश वैक्सीन यहाँ बनती है। उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रोक पर कहा कि कोविड-19 से संक्रमित और उनकी देखभाल कर रहे स्वास्थ्यकर्मी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। HCQ के सेवन में उन्हें लाभ मिला है। देश में अभी भी यह दवा दी जा रही है क्योंकि हमने जांच में पाया है कि इसका उपयोग सुरक्षित है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि हमारे देश में बनी दवाएं और वैक्सीन पूरी दुनिया में जाती हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह हम पुरानी दवाओं का इस्तेमाल कर महामारी से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम दवाओं के लिए शोध में भी जुटे हैं। बहुत सी दवाएं और टीके हैं जिन पर दिन रात काम किया जा रहा है। इसमें फैरी ओरल मेडिसिन फिटो ACQH का ट्रायल चल रहा है। इट्रोसुनायक के अलावा BCG के टीके का भी परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि BCG के टीके में यह देखा गया है कि बालावस्था में बच्चों का टीकाकरण होता है तो उन्हें BCG का टीका लगाया जाता है। अब दोबारा से BCG का टीका लगाने पर रोगी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में मदद मिल रही है। इसके अलावा माइक्रो बैक्टीरियल ट्रायल, प्लाज्मा थेरेपी और HCQ के ट्रायल भी जारी हैं। ये सब ट्रायल अग्रणी श्रेणी में चल रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57 लाख के करीब पहुंच गई है। कोविड-19 की महामारी से अभी तक 3,55,615 लोगों की जाने गई हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,566 नए मामले सामने आए और 194 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,58,333 हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।